हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। मेरे साथ हैं संदीप, पूरा नाम संदीप बासुगुड़म। ही इज फ्रॉम हैदराबाद और आज मेरा ऑफिस में आया है क्योंकि परसों वेडनेसडे को फ्लाइट है सिंगापुर के लिए। ये सिंगापुर के लिए जा रहे हैं कोर्स के लिए, होटल मैनेजमेंट। और इस पैंडेमिक का समय में मुझे बहुत लोगों का कॉल भी आता है कि सर हमारा वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आज फाइनली इनका वीज़ा आ गया है। इनका जो प्रोसेस था, प्रोसेस पूरा हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर अगर आप जाते हैं डिप्लोमा के लिए या फिर कोई भी कोर्स के लिए अभी, तो आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, ठीक है। तो क्वारंटाइन की वजह से थोड़ा डिले होता है प्रोसेस, फिर भी संदीप का वीज़ा आया। उसके बाद क्वारंटाइन का भी क्लियर हो चुका है अब, और इनका फाइनली फ्लाइट है बुधवार को। तो बुधवार को ये फ्लाई होने वाले हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर जाकर क्वारंटाइन करने वाले हैं। हाय संदीप, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो हाउ यू फीलिंग नाउ? फीलिंग गुड सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं सोचा था कि ये अप्रूवल होगा नहीं होगा, एक कंफ्यूजन में था बहुत। कंफ्यूजन में है ना? कैसा बोलते हो, एक कंसल्टेंसी ये थ्रू गया, होता कि ना होता कि बोल के एक नेगेटिव पॉजिटिव में थिंकिंग में था जी। पर फाइनली ये जैसा ये अप्रूवल हो गया, होते कि बहुत खुशी। क्योंकि इनका एक बड़ा ड्रीम था दोस्तों, सिंगापुर में, है ना। हाँ, मेरा ड्रीम प्लेस था ये। ड्रीम प्लेस है इनका, मतलब अभी तक गए नहीं है, जाएंगे बुधवार को। सब कुछ हो चुका है और बहुत लोगों का ये सपना होगा, ठीक है। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा भी ड्रीम प्लेस है सर सिंगापुर जाने का, कैसे जाना है, कैसा है। तो इन तरह तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके मन में ये सब सोच रहता है कि कैसे करके जाएं। और इसलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव लेके आया हूँ ताकि आप सब देख सकें कि कैसा होता है प्रोसेस। संदीप, कितना दिन का प्रोसेस लगा पूरा? इनका दोस्त जिनके थ्रू ये यहाँ पर आए हैं, जो अभी सिंगापुर में है, क्या नाम उनका? गोकुल चरित। वो भी मेरे से गए हैं, ये कंसल्टेंसी से गए, ठीक है। गोकुल चरित का प्रोसेस मैंने किया था और अभी उनको करीब करीब 1.5 साल हो चुका सिंगापुर में। हाँ, 1.5 साल अभी वो सिंगापुर में है। कोविड के समय में बहुत लोग भाग के चले गए सिंगापुर से, लेकिन गोकुल चरित जो है वो वहीं पर स्टिक हो गया। वो बोला कि मुझे जाना नहीं है। एंड अभी उसका इनकम शायद 1500 to 2000 के बीच में है, $2000 है, ठीक है। ही इज अर्निंग मोर देन $2000, ही इज वेरी हैप्पी। रिसेंटली मेरे से बात भी किया था वो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर ये भी जाता है और उसके बाद कुछ वीडियो कॉल हो सकता है तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कितना अच्छा करियर है, कितना अच्छा लाइफ है सिंगापुर में। और अगर आपका भी इस तरह का ड्रीम हो दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं सिंगापुर के बारे में। आपने शायद होटल मैनेजमेंट किया है? हाँ, होटल मैनेजमेंट हो गया। तो एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था सिंगापुर जाने का। जैसा मेरा फ्रेंड गया, उसको पूछा था कौन सा कंसल्टेंसी बोलते कि लावण्या ग्लोबल सर्विसेज बोल के उन्हें बोला था। सो एक 1 मंथ 1.5 मंथ में तू भी सिंगापुर आ जाता, बोलते कि मैं अप्लाई कर दिया था। देखो, तो अप्रूव हो गया। तो इसका भी जो ड्रीम था सिंगापुर जाने का, वो कहीं ना कहीं अभी कंप्लीट हो गया। इनका फैमिली से मेंबर से मैंने मिला है, इनका दीदी से, जीजा से, इनका फैमिली से, बहुत ही खुश हैं सब। क्योंकि जब कहीं भी क्या होता है ना, मैं स्पेशली देखा हूँ यहाँ पर दोस्तों, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। अपना फैमिली का जो भी मेम्बर है, एजुकेशन में कोई ये लोग कोताही नहीं बरतते। मतलब कभी भी ये पैसे के बारे में सोचते हैं ना देखते हैं, जैसे भी करके उनके बच्चों को एब्रॉड का एक्सपीरियंस हो। एजुकेशन इज मस्ट एंड करियर इज मस्ट। देखो, करियर के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मनी आज रहता कल जाता। देखो, मनी आज रहता है कल चला जाता है, लेकिन एजुकेशन जिंदगी भर के लिए रहता है दोस्तों, ठीक है। और करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। और यही चीज़ मैंने भी सीखा है जब मैं हैदराबाद आया, ठीक है, कि भाई कुछ भी पैसा चले जाओ, एजुकेशन जरूर लेना, ठीक है। और आप देखे होंगे यहाँ का जो लोग हैं, हर घर में आपको ग्रेजुएट मिलेंगे और हर घर से
कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में रहता ही है, ठीक है, घर से हर एक फैमिली से कोई कोई कंट्री में जरूर रहेगा, ठीक है। और यही चीज मैंने यहाँ पर सीखा। और आज जब संदीप से मिला मैं, जब संदीप आया यहाँ पर, क्योंकि उनका उनका प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, और फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मिलने आते हैं, जैसे कि उनका जैसे प्रोसेस ख़त्म हो जाता है मिलने आते हैं, मिल के जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस बताना संदीप, अभी अभी तक कैसे लगा और कैसे लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट है जाने के लिए? तो बहुत है सर, अभी 3 डेज में मैं फ्लाई हो रहा हूँ। एक्चुअली वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना जल्दी अप्रूवल हो जाता टू एक्चुअली वीजा मेरे को 6 मंथ्स 5 मंथ्स पहले आया था, 5 महीने पहले दोस्तों इनका वीजा आ चुका है, लेकिन दिसंबर में, लेकिन कोविड के चक्कर में इतना डिले हो चुका, क्योंकि सिंगापुर में जो रूल्स है कि भाई आपको अगर जाना है तो आपको कंपलसरी क्वारंटाइन करना है, और क्वारंटाइन का चार्जेस कम भी नहीं है। हाउ मच यू पेड? 1,20,000 इधर का मनी, 1,20,000 सिंगापुर डॉलर इन्होंने पे किया है क्वारंटाइन के लिए। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा महंगा है, फिर भी अभी बहुत लोग पे करना चाहते हैं जाने के लिए। जो भी महंगा बोलता अब रहता सर, कौन से कंट्री को उन लोग का सेफ प्रोटेक्शन लगाना बोल के रहे थे, कितना पॉजिटिव सोच है दोस्तों, क्यों बोलते अपना 14 डेज अपन सेफ फ्री है तो आफ्टर दैट वी कैन अर्न देयर, उधर भी अपन 1 मंथ में अपने को आ जाता सैलरी आ जाता, ठीक है। देखिए मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे स्टूडेंट्स मैं मिलता हूँ ना, खुद मैं मोटिवेट होता हूँ कि देखिए कितना पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं ये, ठीक है। और बताऊँ इनके इन लोगों का जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ठीक है, उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में। हाँ मुझे ट्रस्ट है बोल के अच्छा, मैं अभी 3-4 मेरे फ्रेंड्स को भी मैं रेफरेंस करा था। हाँ, तो फैमिली में भी किसके थ्रू से जा रहे बोल तो ये लावण्या ग्लोबल करियर कंसल्टेंसी थ्रू जा रहे बोलते। देखिए इनका इनका जो ट्रस्ट है दोस्तों, ठीक है, 5 महीना हो चुका है, ये लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं करीब करीब 1,20,000 रुपया क्वारंटाइन के लिए। हालांकि वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, सिंगापुर गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, फिर भी ये लोग मतलब मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि भाई हम इनके थ्रू जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली इनका अप्रूवल भी आ गया है, क्योंकि वहाँ भी जो अब मैं बताऊँ आपको अपना क्वारंटाइन का उसका भी लंबा प्रोसेस है, उसमें टोकन सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे पैसा पे कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपका अप्रूवल हो जाएगा, पैसा पे करने के बावजूद भी आपको कई समय लग जाते हैं। मनी पे कर दे के जनवरी में किया, जनवरी फर्स्ट वीक में करा, जनवरी फर्स्ट वीक मुझे बोले थे कि मार्च फर्स्ट वीक में आप उधर आ जाएंगे, मार्च फर्स्ट में भी नहीं हुआ था। वो सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन फेथ होता है, फेथ नहीं मैं कह सकता हूँ कि जो अभी कोविड का सिचुएशन है दोस्तों, कोविड की वजह से, ठीक है, और हर जगह से अभी सिंगापुर जाने के लिए लोग इच्छुक हैं, लोग एक्साइटेड हैं कि वो कैसे करके सिंगापुर पहुंचे, ठीक है। और गॉड ग्रेस कि संदीप का भी हो चुका है, और मेरे अभी 4-5 और स्टूडेंट हैं जिनका भी मतलब भी वेटिंग में है। सो संदीप बेस्ट ऑफ लक, आप जाके अच्छा करो, ठीक है, नाम रोशन करो अपना, घर का, परिवार का, हमारा भी, ठीक है। बिकॉज ये लावण्या का कंसल्टेंसी अप्रोच हुआ बोल के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला, अगर मैं डायरेक्ट गए तो होता कि नहीं होता कि थैंक यू सो मच फॉर रिवॉर्ड्स। लेकिन हमारे सबसे बस इतना ही आपको बोलना चाहेंगे कि आप अच्छा से सेफ फ्लाई करें, सेफ जाएं, अच्छा से जाएं, ठीक है, और अपना नाम अच्छा करें वहां पर जाके, अच्छा इनकम करें, फैमिली को पैसा भेजें, ज्यादा पैसा खर्च ना करें वहां जाके, ठीक है, यारी दोस्ती में, और लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक संदीप, थैंक यू सो मच। और तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्लेस हिम एंड विश हिम फॉर हिज बेस्ट करियर, और नीचे कमेंट बॉक्स में इनको विशेस जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी को विश करते हैं तो भगवान भी आपके लिए बहुत अच्छा करता है। और मैं चाहता हूँ मेरे जितने व्यूअर्स हैं यूट्यूब में, सबका ब्लेसिंग्स, सबका विशेस संदीप को मिले, ताकि संदीप का जीवन जो है खुशहाल हो, करियर अच्छा हो, लाइफ में बहुत अच्छा आगे बढ़ें, और आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करें, क्योंकि इनका जो सपना है वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा सपना है दोस्तों। हालांकि जिस दिन ये सपना रीच करेंगे, उनका सपना जब पहुंचेंगे, तो उस टाइम भी हम इनको बुलाएंगे एक इंटरव्यूज़ में, और इनसे बात करेंगे कि कहां तक पहुंचे, और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी विश करेंगे, भगवान से भी विनती करेंगे कि भाई इनका जितना भी विश है वो पूरा करें, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक संदीप, थैंक यू सो मच। आप जाके बहुत अच्छा करें, अच्छा जीवन जिए, अच्छा करियर में आगे बढ़ें और घर परिवार अपना देश का नाम रोशन करें। ओके सर, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। दोस्तों अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा विथ बेस्ट विशेस टू हिम। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हरदम लेके आते रहता हूँ आप लोगों के पास आपको मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।